हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूट्री की बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जिसके आगे आप जो हैं नॉनवेज को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ये न्यूट्री को भिगो के रखा है, और अब मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से निचोड़ लूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ हमारे बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, तो अभी मसाले हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, और इसे जो है मिक्स कर देंगे। और इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी दही, और इसे भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी सोया चाट मसाला, अगर आपके पास है तो ऐड जरूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, और अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो जिस तरह से हम चाप बनाते हैं वैसा फ्लेवर इसका आएगा, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगी। अब हम इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो यहाँ मेरे पास प्याज है, थोड़ा सा अदरक है, ये गार्लिक है, और इन सबको क्या करेंगे, हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे जो है हम पीस लेंगे बढ़िया से। और यहीं पर मैं डाल दूंगी दो टमाटर मीडियम साइज के, और साथ में डाल दूंगी दो हरी मिर्चें, और इन सबको हम एक साथ ही पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मसाला है वो रेडी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया था, इसमें डाल देंगे जीरा। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही मसाले में हम बनाएंगे। आप चाहें तो स्टेज पर इसमें जो है खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, पर मैं कोई खड़ा मसाला इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और साथ में डाल देंगे हम हमारा ये मसाला जो हमने पीसा है, और अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बहुत बढ़िया से भूनना है इसे हमने। तो देखिए काफ़ी हद तक हमारा मसाला जो है भुन गया है, और अभी तक हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, यानी कि कोई मसाला, पाउडर मसाला जो होता है, और इसे इसी तरह से भुनने देंगे हम। यहाँ मैंने कटोरी ले ली है, और इसमें मैं डाल दूंगी देगी मिर्च एक चम्मच भर के, नमक स्वादानुसार, और हमने पहले भी न्यूट्री में जो है नमक ऐड किया है, थोड़ा सा काली मिर्च क्रश की हुई, तो मसाले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा, हल्दी, धनिया पाउडर एक चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा गरम मसाला, हमने पहले भी गरम मसाला ऐड किया था, और चाप मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। तो एक चम्मच भर के मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है, और अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम पानी, और इसे जो है ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें जो है ना अच्छे से मिक्स करना है, और पानी थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो थोड़े से फूल जाए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसी में मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी, तो ये भी थोड़ा सा फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस सब्जी में जब आप इस तरह से मिक्स करके बनाएंगे। तो चलिए अब मसाला चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मसाला है हमारा अच्छे से भुन गया है, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब जो अभी हमने मसाला बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि जो ये लगा हुआ मसाला है ये भी इसमें आ जाए और वेस्टेज ना हो। और अब क्या करेंगे, इन्हें जो है भून लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा कितना अच्छा सा भुन गया है। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ये भुना हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हमारी ये न्यूट्री जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। और इसे जो है ना हम 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पे भून लेंगे मसालों के साथ। तो आपने देखा मैंने कितनी पतली दही जो है इसमें डाली थी, और वो भी ये जो न्यूट्री है उसने सोक कर लिया है। आप चाहें ना तो मट्ठा जो होता है या बटर मिल्क जिसे कहते हैं उसमें भी सोक करके आप जो है ना नमक वगैरह मसाले थोड़े से ऐड करके न्यूट्री को भिगो के रख सकते हैं। उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और फीकी भी नहीं लगेगी ये खाने में। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मतलब लगेगा आपको उस तरह से जब आप बनाएंगे न्यूट्री। तो मेरे पास बटर मिल्क नहीं था तो मैंने दही से ही जो है पतला दही करके उसमें डाल दिया था। और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे बढ़िया से। तो देखिए कितने बढ़िया से ये हमारे जो ये भून गए हैं मसाले के साथ। ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया जो है इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो बिल्कुल नॉनवेज को ना टक्कर देने वाला ये जो देसी हमारा खाना है बनता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी थोड़ा पानी। तो पानी की मात्रा ना आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो क्वांटिटी जो है ना पानी की थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा, और कम क्वांटिटी में चाहिए पानी तो ग्रेवी तो पानी जो है कम डाल दीजिएगा। तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। और एक विसल आने पर हम गैस को कर देंगे बंद। तो कुकर बंद करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, जिसमें कि ना पत्ते कम हैं और स्टेम ज़्यादा है। इसे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में। और इसे कर देंगे मिक्स। और अब हम क्या करेंगे, लिड लगा देंगे और एक सीटी के बाद मैं गैस कर दूंगी बंद। तो फ्रेंड्स, एक सीटी आने के बाद मैंने ये बंद कर दिया था और कुकर हमारा जो है थोड़ा ठंडा हो गया, इसके स्टीम भी निकल गई है। और हमारी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका कलर, इसका टेक्सचर बिल्कुल लग रहा है ना ये कि ये चिकन जैसा बना है। और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसे खोलते ही। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे जो है फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस सी ये न्यूट्री की सब्जी। इसे आप पराठे या नान या तंदूरी रोटी या प्लेन फुलके के साथ किसी के साथ भी शेयर कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी और टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।